आज मैं करने वाला हूँ वाटर टेस्ट और इन दोनों फोन्स में से मैं एक को यूज करने वाला हूँ अपने वाटर टेस्ट में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस फोन को यूज करने वाला हूँ, एक में लगाऊंगा टाइमर और एक को यूज करूंगा वाटर टेस्ट के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने यहाँ पे ग्लास का जार रखा है और इस ग्लास के जार में मैं फोन को रखूंगा और उसके बाद मैं ऊपर से इसमें पानी डालूंगा। तो वाटर टेस्ट को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि ये फोन सर्वाइव करता है या नहीं। कंपनी ने कहा है कि ये तो स्प्लैश प्रूफ कहा है कंपनी ने, तो स्प्लैश प्रूफ का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं बारिश में जा रहे हैं, पैदल भीग रहे हैं, तो आपकी फोन जो है वो सेफ रह सकती है, लेकिन ये फोन स्विमिंग के दौरान सेफ नहीं रह सकती है। तो आज हम टेस्ट करने वाले हैं कि अगर ये फोन पूरी तरह से पानी के अंदर रहता है और इसे मैं आधे घंटे के लिए पानी के अंदर रखने वाला हूँ और टेस्ट करने वाला हूँ कि ये फोन सर्वाइव करता है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फोन जो है अभी ऑन है, ब्राइटनेस को मैं पूरी तरह से कर देता हूँ हाई, स्क्रीन है वो आप लोगों को अच्छे से नज़र आ सके। और तो ये जो फ़ोन है अभी 69% चार्ज्ड है, फ़ोन सर्वाइव करता है या नहीं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये अभी अनलॉक है और इसके ऊपर मैं डालने वाला हूँ पानी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन जो है वो खुद ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। गूगल डुओ यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसा कि आप देख रहे हैं गूगल डुओ चालू हो चुका है और पानी जो है अभी ये पूरी तरह से इसके अंदर चला गया है। अब मैं टाइमर जल्दी से लगा लेता हूँ। तो टाइमर यहाँ पे मैंने कर दिया है स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें मैं अभी थोड़ा सा पानी का लेवल जो है वो हाई करने वाला हूँ, यानी मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डालने वाला हूँ, ये जो जार है वो उसे मैं फुल कर देने वाला हूँ। तो ये रहा पानी। तो अभी तो ये पानी के अंदर है और डिस्प्ले का जो ऑन टाइम है वो मैंने लगा दिया है 30 मिनट्स पे, तो ये जो डिस्प्ले है वो अभी बंद नहीं होने वाला है। और साथ में उधर टाइमर भी आप देख रहे हैं कि 8 मिनट और 45 सेकेंड यहाँ पे हो चुके हैं और ये फ़ोन जो है वो पूरी अच्छी तरीके से अभी तक सर्वाइव कर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पानी की वजह से जो टच है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है और फिर से हम डाल देते हैं इसे पानी के अंदर। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं टाइमर में 11 मिनट और लगभग 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो OnePlus 6 का वाटर टेस्ट जो है वो लगभग 15 मिनट कंप्लीट होने वाला है और यहाँ पे मैं टाइमर को भी करूँगा पॉज, जो कि मैंने कहा था कि मैं 10 मिनट पे करूँगा लेकिन मैं 15 मिनट पे कर रहा हूँ। और इस फ़ोन को हम चेक करने वाले हैं कि ये फ़ोन अभी पूरी तरह से वर्क कर रहा है या नहीं, उसके बाद फिर से इस फ़ोन को दोबारा हम वाटर टेस्ट कंटिन्यू करेंगे 15 मिनट्स के लिए। और तो यहाँ पर मैं वाटर टेस्ट को करता हूँ यहाँ से पॉज और 15 मिनट और 16 सेकंड्स अभी हो चुके हैं और इस फ़ोन को मैं बाहर निकालने वाला हूं
और जैसा कि आप देख रहे हैं पानी जो है वो इस फ़ोन पे पूरी तरह से लगा हुआ है सभी जगह पे। और टच जो है जैसा कि आप देख रहे हैं शायद पानी होने की वजह से वो पूरी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो इस OnePlus 6 को हम एक तौलिए से साफ़ कर लेते हैं, इस पे जो पानी है उसे हम साफ़ कर लेते हैं और तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ़ोन को ऐसे प्रेस करने से स्पीकर ग्रिल से कुछ पानी आ रही है, तो यहाँ पे ये आना लाजमी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं OnePlus 6 जो है वाटर टेस्ट में मुझे लग रहा है कि पास हो गया है। और अब हम इसके स्पीकर को टेस्ट करते हैं कि स्पीकर से आवाज़ जो है वो कैसी आ रही है। तो जैसे कि देख रहे हैं आप थोड़ा सा जो आवाज़ है वो लग रहा है जैसे कि दब के आ रहा है। तो मुझे लगता है जैसे कि इसमें अगर आप इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे, सूखने के लिए रख देंगे, पानी जो है वो स्पीकर से पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, तो ये जो फ़ोन है पूरी तरह से परफेक्टली काम करने लगेगा। तो हम कुछ और पानी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ड्राई कर देंगे तो स्पीकर जो है वो सही तरीके से काम करने लगेगा। और फिर से मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ वाटर टेस्ट के लिए। तो अभी मैं तो लगभग ये जो OnePlus 6 है वो कंप्लीट करने वाला है अपना 20 मिनट। तो ये लगभग 21 मिनट और 30 सेकंड्स पूरे हो चुके हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं OnePlus 6 जो है वो अपना वाटर टेस्ट 24 मिनट के लिए यहाँ पे पूरा करने वाला है और फ़ोन जो है अभी पूरी तरीके से ऑन है। हो चुका है 27 मिनट और लगभग 32 सेकंड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी काउंटडाउन जो है वो चालू हो चुका है और यहाँ पे OnePlus 6 का वाटर टेस्ट कंप्लीट होने वाला है 30 मिनट्स के लिए। तो मात्र अभी 30 सेकंड और लेफ्ट हैं वाटर टेस्ट कंप्लीट होने के लिए। तो इस फ़ोन को मैंने लगभग पूरी तरीके से 30 मिनट्स के लिए पानी के अंदर छोड़ा है और अब देखते हैं कि ये फ़ोन जो है वो सर्वाइव करता है कि नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैं टाइमर को करने वाला हूँ स्टॉप, क्योंकि ये 30 मिनट से बाहर जा रहा है और ये हमने कर दिया टाइमर को स्टॉप। और यहाँ पर हम फ़ोन को निकालने वाले हैं बाहर। तो ये जो फ़ोन है बाहर आ चुका है और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो ये जो है पानी से पूरा भीगा हुआ है अभी फ़ोन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी पानी से भीगा हुआ है, फिर भी फ़ोन जो है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और कैमरा हम ओपन करके देखते हैं कि पानी के अंदर जो व्यू है वो कैसा रहता है कैमरे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पानी के अंदर अभी कैमरा चालू है और इसका व्यू जो है वो अजीब था। तो ये है OnePlus 6 और इसने कंप्लीट कर लिया है अपना वाटर टेस्ट। तो अब जो टाइम है वो रिज़ल्ट का टाइम है कि ये जो फ़ोन है उसने सर्वाइव किया है या नहीं। तो अब हम फ़ोन को करने वाले हैं टेस्ट, क्योंकि ये हो चुका है अब पूरे तरीके से ड्राई तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये अभी इसे धूप में सुखाना बाकी है। तो और यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कैमरा को। तो कैमरा जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा भी जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पर मैं एक पिक्चर क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा में जो है वो फोन हो चुका है पास। तो अब हम यहाँ से स्विच करते हैं बैक कैमरा को और टेस्ट करते हैं बैक कैमरा जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमने जो दूसरा वन प्लस 6 है उसकी पिक हमने निकाल ली है और तो कैमरा जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम टेस्ट करते हैं स्पीकर को। तो यहाँ से हम सेटिंग्स में जाते हैं और चेक करते हैं साउंड को, स्पीकर जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो साउंड जो है वो अभी आप देख रहे हैं ये फुल है और स्पीकर से जो आवाज़ है वो बहुत ही कम आ रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आवाज़ जो है वो बहुत कम आ रहा है। और यहाँ से मैं आपको दूसरे वन प्लस में शो करता हूँ कि इसमें आवाज़ जो है कितना है इसके मुकाबले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है दो वन प्लस 6 और इसमें जो आवाज़ है उसे आप देखें कि ये जो फ़ोन है ये वाटर टेस्ट से गुजरा है और ये जो फ़ोन है ये नॉर्मल है, इसमें अभी वाटर टेस्ट नहीं हुआ है। तो आप मीडिया वॉल्यूम जो है उसे देखें कि और दोनों में जो मीडिया वॉल्यूम में फ़र्क आ रहा है वो आप देखें। स्पीकर में जो है शायद इसमें अभी पानी है स्पीकर के अंदर, तो आवाज़ जो है वो पूरी अच्छे तरीके से बाहर नहीं आ पा रही है। तो ये रहा नॉर्मल वन प्लस 6 का साउंड जो कि वाटर टेस्ट नहीं किया गया है, और ये यहाँ पे रहा जिसमें वाटर टेस्ट किया गया है। तो इसमें जो आवाज़ है वो दब के आ रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्पीकर ग्रिल्स से थोड़ी बहुत पानी जो है वो बाहर आ रही है, यानी कि स्पीकर ग्रिल्स में अभी भी पानी है और इसे ड्राई करने के बाद मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। मैं इसे ड्राई करने के बाद वीडियो जो है वो कंप्लीट करता हूँ और देखता हूँ कि इसके साउंड में कुछ फ़र्क आया है या नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है दो दो वन प्लस 6 और ये जो है इसे मैंने किया था वाटर टेस्ट और ये है जिसे मैंने लगाया था टाइमर में और इसे अभी मैंने छोड़ दिया था लगभग 40 मिनट के लिए सन में। और ये जो फ़ोन है बहुत ही अभी हीट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा हीट है ये। तो अब हम चेक करने वाले हैं इसके जो स्पीकर है वाटर टेस्टिंग के दौरान जो इसके स्पीकर से आवाज़ कम आ रही थी वो जो आवाज़ है वो दोबारा से रिकवर हो पाया है या नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आवाज़ जो है मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से सही हो चुका है और इसे हम मैच कर लेते हैं नॉर्मल फ़ोन से जिसमें कि स्पीकर टेस्ट नहीं हुआ है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं मीडिया वॉल्यूम से चेक करने वाला हूँ, तो ये जो फ़ोन है इसमें वाटर टेस्ट नहीं हुआ और ये जो फ़ोन है ये वाटर टेस्ट के साथ गुजरा है। दोनों की जो मीडिया वॉल्यूम है वो हम चेक करने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये जो है ये नॉर्मल फ़ोन का साउंड था और ये जो है तो ये जो साउंड था ये है वाटर टेस्ट फ़ोन का। तो साउंड जो है वो वापस से पूरे तरीके से सही हो चुका है। तो वन प्लस 6 इज़ टोटली वाटरप्रूफ फ़ोन एंड यू कैन एंजॉय स्विमिंग विद दिस फ़ोन। तो आप जो है वो इस फ़ोन के साथ स्विम कर सकते हैं और शूट कर सकते हैं पानी के अंदर और ये फ़ोन पूरी तरह से वाटरप्रूफ है और ये इस वीडियो में कन्फर्म हो चुका है और ये इस वीडियो में मैंने कन्फर्म कर दिया है कि ये फ़ोन पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। सो दिस फ़ोन इज़ टोटली वाटरप्रूफ एंड यू कैन स्विम विद दिस फ़ोन इन द वाटर। तो ये था वन प्लस 6 का वाटर टेस्टिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्नोलॉजी ट्विस्ट।